लता पंड्या राजस्थान से हूँ, चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप और मीराबाई की भूमि चित्तौड़गढ़ से हैं। और उड़ीसा किस लिए आए थे? उड़ीसा भी हम जगन्नाथपुरी यात्रा, गंगा सागर की यात्रा और यहाँ पर और लोकल जो यहाँ का कल्चर है उसको देखने के हिसाब से आए। अभी हम यहाँ का भुवनेश्वर का बताया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के पास अच्छा मार्केट है, तो हम कल भी आए थे और अच्छा लगा तो आज पुनः आए हैं। क्या क्या चीज़ खरीदे हैं अभी तक? बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल, पर्स, हर चीज़ बहुत ही अच्छी है, कम रेट में है और यहाँ के कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं तो हमको अच्छी लग रही है। नहीं, उत्सव का तो नहीं पता, लेकिन हम जब हम लोग आए तो हम देख रहे हैं कि रोड पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो अभी हमें पता लगा कि इनका कोई त्यौहार है, उस वजह से ही ये नए कपड़े और जो ज्वेलरी वगैरह हैं वो खरीद रहे हैं लोग। कुछ चीज़ है कि राजस्थान के हैं, यहाँ पर मिलता है, देख रहे हैं? ऐसे हमने इयररिंग्स वगैरह खरीदे तो लग रहा है कि थोड़ा कुछ वहाँ का है, बाकी ड्रेसेज वगैरह भी कुछ कुछ कॉमन है और कुछ हमने जो यहाँ का लोकल है वो भी ड्रेसेज देखी थी कल हमने। उड़ीसा में राजस्थान का चीज़ मिलता है? हाँ, मिलता है बिल्कुल। हमने हमारे वहाँ का बंधेज भी देखा है, लहरिया देखा है और कुछ कॉटन की साड़ियाँ वगैरह भी देखी है जो हमारे राजस्थान में भी मिलती है, जैसे बंधेज और लहरिया राजस्थान का है। तो देखिए कितना खुश लग रहा है कि बाहर का चीज़ उड़ीसा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारे वहाँ की चीज़ भी यहाँ पर मिल रही है। कुछ खरीदे हो वहाँ का चीज़ यहाँ पे? नहीं, वहाँ का चीज़ यहाँ पर नहीं खरीदा क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा चीप मिल जाता है। क्या क्या चीज़ खरीदे हो अभी तक? हमने इयररिंग्स वगैरह खरीदे हैं और पर्स खरीदे हैं, कुछ कपड़े खरीदे हैं, क्योंकि जब यहाँ आए तो यहाँ से कुछ तो लेके जाएंगे हम लोग।